लेफ्ट क्या हुआ? गाड़ी गाड़ी, हाँ तो उधर भी जा रहे हैं ना। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का व्लॉग थोड़ा अलग होगा, इट वुड बी मोर ऑफ लाइक अ टूर। तो दो दिन हैं हमारे पास, दो दिन में हम जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कवर करने वाले हैं। किधर रुकना है? वड़कल में नाश्ता, हाँ उसके बाद नहाड़ क्या होटल कौन सा? अंतरामी? नहीं नहीं, आमंत्रण आमंत्रण आमंत्रण। उसके बाद रुकना है महाड़ में, और महाड़ से घाट करते हुए कड़ावर से गणपति। मतलब नॉन स्टॉप है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं डालना। हाँ, ब्रेक भी इसके लिए रखा है बिकॉज गर्मी है, गर्मी ऊपर से ये कोकण है, मालवन एरिया है, तो नीचे से भी भाप मारता है, तो इंजन भाई नहीं चाहते किसी का सीज हो जाए। एवेंजर का इंजन भले ही पावरफुल है पर इतना भी नहीं है कि इंजन सीज ना हो। तो चलो राइड स्टार्ट करते हैं। अभी ब्रेकफास्ट पॉइंट आ गया, यहाँ पर हम फटाफट ब्रेकफास्ट करेंगे और मौसम गर्म होने से पहले जल्दी से निकल जाएंगे। एक बार मौसम गर्म हो गया गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर जब आपने गैप कर लिया। तो ब्रेकफास्ट तो हो गया अभी एंड बहुत जल्दी कवर किया है यार। ये वड़कल का रोड जितना एक्सपेक्ट किया था उतना ख़राब नहीं है, बहुत ज़्यादा बना दिया। नॉर्मली जहाँ पर बाइक पे एक से डेढ़ घंटा लगता है, हमें हार्डली 40 मिनट्स लगे यहाँ पहुँचने। मौसम तो बहुत ठंडा है। नेक्स्ट स्टॉप हमारा सीधा होगा महाड़ में अभी, और महाड़ के बाद वहाँ एक छोटा सा स्टॉप लेंगे, चाय पियेंगे। चाय के बाद इसीलिए रुकना ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद घाट है कंटिन्यू, और घाट पे हमारी स्पीड काफ़ी स्लो हो जाएगी तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसीलिए एक छोटा स्टॉप लेके फिर कंटिन्यू नॉन स्टॉप हम धापोली तक राइड करेंगे। सो हम फाइनली पहुँच गए धापोली एंड वी आर स्टेइंग हियर एट सो दैट्स बाड़ा साहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ। यहाँ सभी रूम्स आप देखो VIP है, एंड हम जिस रूम में रुके हैं वो है VVIP 9। चलो घुस के देखते हैं। अभी रूम की हालत तो ठीक नहीं है बिल्कुल भी, हम आते बस इतना थक गए थे, इतनी गर्मी थी, एग्जॉस्ट हो गए थे पूरा। सभी सामान ऐसा पड़ा है, लोग भी ऐसे पड़े हैं। दिस इज द बेडरूम। तो अभी यहाँ से हम जाएंगे बाहर डिनर करने। तो अभी एक दिक्कत हो गई है कि कैंटीन में वेज खाना ही है, नॉन वेज खाना नहीं है। तभी नॉन वेज खाना ढूंढने के लिए हम निकले हैं बाहर बाजार में, एंड यहाँ पर बाजार इतनी जल्दी बंद हो जाता है पता नहीं था, वरना गेस्ट रूम जाते वक्त ही हम ले लेते हैं। अब देखो मिलता है तो अच्छी बात है इनके लिए, वरना हम तो वेज से काम चला ही लेते हैं, हम भूखे नहीं सोने वाले। भूखा सोएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी वेज वाले हैं, आगे जो जा रहे हैं वो वेज वाले नहीं है, उनको नींद नहीं आती जब तक चिकन नहीं अंदर जाता ना, चिकन मटन जुलाब लग जाते हैं। मिला, फाइनली मिल गया एक चाइनीज कॉर्नर। भाई तुम लोगों को चिकन आइटम क्या लेगा? नहीं मिलेगा तुमको? अरे अंदर वो कढ़ाई रहेगा ना जिसका बनाता है, फ्राइड चिकन ना। मतलब मुश्किल से एक दुकान मिली है उसमें भी झगड़ा करना है इनको। पनीर मिलेगा? पनीर वाला एक वेजिटेरियन चिकन ढूंढ रहा है तुम्हारे लिए। जैसे पानी पूरी के साथ तो सूखा पूरी लास्ट में होता है ना, वैसे कोई भी चाइनीज कॉर्नर में जाओ और ये ना खाओ तो भाई तुम्हारे पैसे वसूल नहीं हुए। ये हमारा ही है ना। इतना सारा खाना आ गया, यहाँ यही जगह है ना रुके हैं जहाँ। चालू करे खाना? अरे गद्दे आ गए, अंदर रखवाने ना। थैंक यू, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम धापोली। मैंने वाइजर पहना है क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा एक्सप्लोर करना और मेरी आगे पर सही है। रास्ता ऑर्डर से सही नहीं है। अरे लेफ्ट क्या हुआ? गाड़ी गाड़ी, हाँ तो उधर भी जा रहे हैं ना। आप लोगों के लिए प्रसाद हिस्ट्री इस जगह का स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो, पढ़ लो। ये बाहर क्या है कुंड जैसा? पानी का
उसमें तरफ शिव मंदिर भी है, शिवलिंग है ना अंदर, नीचे रखा हुआ है शिवलिंग। वहाँ जा नहीं सकते ना, ऊपर जा सकते हैं। तो आज कुछ नया सीखने मिला, पर अभी दिक्कत यह है कि कहीं भी 5 मिनट भी रुक जाओ ना, पूरा पसीने से तारा तार हो जाता है शरीर। काम करते हैं, फटाफट तैयार होते हैं, अगले स्पॉट के लिए निकलते हैं। अभी जस्ट मैं मंदिर से उतर के नीचे अरने बीच की तरफ जा रहा था, एंड व्हाट, लुक एट व्हाट आई हैव फाउंड, लुक एट दिस मैग्निफिकेंट ब्यूटी। ये नदी है, ये समुंदर है, और यहाँ संगम हो रहा है दोनों का। ना ये इधर आ रही है, ना ये वहाँ जा रही है। नीचे जा सकते हैं? हाँ, ये देखो रास्ता है नीचे जाने का, है ना। वो देख पब्लिक उधर दिख रही है, पब्लिक। चलो हम वैसे भी वहीं जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, नीचे जाके वापस से वापस मैं निकालता हूँ कैमरा। वैसे गर्मी में खड़े होकर ज़्यादा पसीना आने हो जाता है। तो हम पहुँच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन 2 पे, दैट इज़ गोवा फोर्ट। अभी इसको गोवा फोर्ट क्यों बोलते हैं पता नहीं है, गोवा में तो है नहीं। गोवा नज़दीक है क्या यहाँ से? गोवा फोर्ट है कुछ, इसको गोवा फोर्ट बोलते हैं। हाँ, तो ये पीछे दिख रहा है जो, ये फोर्ट भी नहीं है, और हमने फोर्ट के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी है। पर पीछे का व्यू देखो यार, ये वो बीच वाला कौन सा बोला था उसने? सिंधुर्ग नहीं, सिंधुर्ग मालवन में। तो अभी हमको वहाँ जाना था एक्चुअली, वहाँ जाने के लिए पहले बोट थी पर दिक्कत। अभी हमने पूछा उससे बोट, तो कह रहा है कि पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पानी ऊपर आया हुआ है, एंड शायद इसीलिए बोट नहीं मिली वहाँ जाने। पर हमारा मेन वहाँ था, बिकॉज आप देखोगे नाम गोवा फोर्ट है, बट फोर्ट लाइक कुछ है नहीं। हमने पता नहीं घोड़े में कैसे लोग संभाल लेते थे, हमने तो गाड़ियाँ चढ़ा दी हैं ऊपर इतनी आसानी से। अभी तीसरा कहाँ जाने वाले हैं यहाँ से? अच्छा, इसको गोवा फोर्ट क्यों बोलते हैं? पर ये गोवा क्यों, अपन मतलब समझ नहीं आ रहा था। ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा हो गई, गोवा तो नहीं पहुँच गए। अभी सीधा मिलता हूँ आपको तीसरी डेस्टिनेशन फतेहपुरगढ़। कभी आपकी अच्छी वाली कटी है, ज़बरदस्त वाली, अभी हमारी कटी है। तो अभी बाहर जाके हम लोकल्स को पूछ रहे थे कि फतेहपुर, फतेहगढ़ जो भी फोर्ट है उसका रास्ता कहाँ से है। उसने हमें वापस से यही गोवा फोर्ट में भेज दिया, बोला यहीं से दिखता है। एंड अब देखो ये मजाक बना दिया है फोर्ट का, वो फोर्ट है उसके ऊपर घर बने हुए, झाड़ उगे हुए हैं। और हमने दो तीन लोगों से पूछा, सब ने मतलब ये जो भी यहाँ आसपास रहते हैं सभी ने यही बोला कि यही है वो फोर्ट है। डेस्टिनेशन 3 अभी हो गई हमारी यहीं से, गोवा फोर्ट, ये सामने वाला फोर्ट और फतेहपुर फोर्ट, तीनों हो गया। तो अभी हमें हमारे गाइड और एक जगह पर लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं वो भी मंदिर है, तो चलो सीधा वहीं चलते हैं। अच्छा वाला मूड ऑफ करा दिया यार, छट रुके अभी लंच के लिए। फाइनली 3:15 है, सामने घड़ी है। तो अभी यहाँ पर स्पेशलिटी के फिश ही है ना, फिश आ गई है ना, ये मच्छी है ना, यहाँ की स्पेशलिटी है। बट वेजिटेरियन है, हमें यहाँ तो पनीर से काम चलाना पड़ता है। अभी यहाँ पर वेज थाली भी आई हुई है, वेज थाली, थाली में 2 सब्जियाँ हैं, एक उसल है। महाराष्ट्र एरिया में आपको बहुत कॉमनली मिलेगा अगर फिश अवेलेबल नहीं है तो। चलो मैं अपना लंच करता हूँ। तो लंच हो गया अभी, अब आधा घंटा रेस्ट करके अगले पड़ाव की ओर चलते हैं अपन। अभी अभी कहाँ जाना है? पालनडे बीच जाना है, भीगेंगे क्या वहाँ जाके देखता है। चलो बाय बाय। To leave this town, cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same. Oh.
लंच करने के बाद अगर थकान मिटाने के लिए कोई चीज़ काम आती है या 90% ऑफ दी पीपल जिसको सूदिंग लगती है ये चीज़, ये यू आर, मज़ा आ गया यार, पूरे दिन की थकान एक मोमेंट में उतर गया। और जबकि हमें इसके बाद होटल में जाना है, अब तो लग रहा था सुबह सुबह यहाँ आ जाते उसके बाद पूरा दिन एकदम बिना थकान के कट जाता, पर फिर भी सूर्य देव जी की तपस्या काम आई, इतना पसीना गीले होके भी हम घूम रहे। इसमें केकड़े निकलते हैं, काटेंगे इसमें सच केकड़े होंगे। अरे मैं कह रहा हूँ इसमें केकड़े होते हैं खड्डों में, निकाल निकाल सकता है? ये छोटे छोटे रहते हैं वो बहुत, तो दिखते नहीं है क्या वो? नहीं वो एकदम भागते हैं पक्षी। अबे पकड़ने बोला मारने नहीं, नहीं वो आएंगे रे उतने बहुत छोटे रहते हैं। अभी मैं तो यहाँ बैठने वाला हूँ थोड़ी देर के लिए, हवा भी अच्छी चल रही है, शाम के 5 बज गए हैं, तो थोड़ी रात की मस्ती के लिए भी थोड़ी जान आ जाएगी, तो तब तक आप एंजॉय कीजिए ये प्यारा सा टाइम लैप्स। स्लिप होएगा, स्लिप होएगा, सफेद रहता। पहुंच तो गए हैं बीच में, लेकिन पंगा ये हो गया फुल हाइट हाइट है, और मुझे मेरे फेवरेट किस्म की रेत मिली, सिल्वर में चली गई। मत जाओ, सफेद रेत है, सफेद रेत में नहीं जाती गाड़ी, धसेगी। बीच देख के है ना, खाली वाला बीच देख के मैं वो नाना पाटेकर का खामोशी पिक्चर है ना, खामोशी पिक्चर का ऐसे ही नहीं आ रहा है। सम पीसफुल टाइम एट बीच, अभी लंच करने रुके हैं हम, कौन सी जगह हमें भी नहीं पता, बस गाड़ी लेके घुस गए और इस जगह पर पहुंच गए, तो अभी लंच ऑर्डर किया है और जगह जहां हम रुके हैं। आ गया ऑर्डर, पनीर चिल्ली है क्या? पनीर में भी सब्स्टिट्यूट है ना वेज वाला, वो वाला भी लेना हो तेरा। तो फाइनली हमारा स्टे आज खत्म हो गया गेस्ट हाउस में, एंड वी आर लीविंग फॉर मुंबई। तो अभी नहीं, हम नाइट राइड करने वाले हैं, अभी 8 बजे 8:10 हो गए हैं, अभी यहाँ से हम निकल के कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा कवर कर सके, कम स्टॉप में उतना ज़्यादा कवर करेंगे, क्योंकि मिडनाइट से पहले हमें मुंबई पहुँचना है, 210 किलोमीटर यहाँ से अभी कवर करना है। तो अगर कोई पिट स्टॉप होता है तो फिर हम कुछ शूट करेंगे, नहीं होता है तो फिर सीधा मुंबई में। क्या संजय रेडी? हाँ, बोलोग आगे? अच्छा चलो मिलते हैं। तो अभी 60 किलोमीटर हो गया और बहुत बेकार रोड है यार, क्या गंदे डाइवर्जन है इस पर। तो बोला थोड़ा रुक के आग कुछ साफ कर लेते हैं, पूरा धूल मुंह पे उड़ रहा है होपफुली। और अभी कह रहे हैं कि ये रोड का कंस्ट्रक्शन पूरा पेन तक ऐसा ही चल रहा है, तो बोला चाय भी पीने से अच्छा रेड बुल पी ले, प्रमोशन नहीं है। चलो मिलते रहेंगे आगे। फाइनली राइड खत्म हो गया है, व्हाट एन अमेजिंग राइड इट वाज। 2 घंटे ज़्यादा लग गए, डाइवर्जन्स बहुत हैं उस हाईवे पे, काम चल रहा है रोड एक्सपेंशन का, बट देन डिसीजन अच्छा रहा रात को निकलने का, क्योंकि ठंडे मौसम में हम अच्छे से पहुंच गए, ज़्यादा थकान नहीं हुई जैसे हमें जाते वक्त हुई थी गर्मी की वजह से। एंड बाकी ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर पता है ना, लाइक दबा दो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी दबा दो, कोई बात नहीं। और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन दबा देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ जब कभी भी आते हैं, उतना फ्रीक्वेंट नहीं हो पर आते ज़रूर हैं, आते रहेंगे तो मिस ना करने के लिए।
लगा दो।